हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं से जुड़ी कुछ निजी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में। कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो आप लोगों के मन में आते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो आपको परेशान करते हैं, जो आप पूछना भी चाहते हैं लेकिन किससे पूछें। तो कमेंट में बहुत सारे से सवाल थे और मुझे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। वैसे कुछ कॉमन सवाल, कुछ कॉमन समस्याएं आज इस वीडियो में मैं आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आखिर तक देखना तो कि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और आप फ्रेंड, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही फ्री है। मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो वीडियो डेली देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, आप लोगों के लिए ही ये चैनल है। तो नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो पहले दबा दीजिए और पास वाला बेल आइकॉन दबाना मत भूलेगा, क्योंकि हर वीडियो मेरे पास आपके लिए पहले आए इसके लिए नोटिफिकेशन जो बेल है वो प्रेस करना ज़रूरी है। तो चलो फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, क्योंकि हर एक लेडी को ये समस्या रहती है, उसको जवाब उसको घर बैठे मिल सके। तो चलो, पहला सवाल ये होता है कि मुझे जो व्हाइट पानी गिरता रहता है वो नॉर्मल है या नहीं। तो देखो, व्हाइट पानी में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यदि आपको पीरियड के आगे और पीछे के 3-4 दिन रहता है वो नॉर्मल है। ओव्यूलेशन टाइम यानी कि मिड साइकिल में जो व्हाइट पानी गिरता है, जो थोड़ा सा स्लिपरी होगा, स्लाइमी होगा, वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके अलावा भी यदि थोड़ा सा व्हाइट पानी गिरता है तो वो वहाँ पर ड्राइनेस ना आ जाए, हेल्थी रहे, अंदर कोई इन्फेक्शन ना आ जाए, उसके लिए बना रखा है, वो नॉर्मल है। तो व्हाइट पानी कब आपके लिए एबनॉर्मल होता है, कब उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है? यदि वहाँ पर आपको बदबू आए, वहाँ पर खुजली आए और दाने दाने निकल जाए, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, वहाँ पर जलन जैसा हो, तो ही आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि व्हाइट पानी का कलर अल्टर हो जाए, यानी कि वहाँ पर ग्रीन पानी आए या फिर दही के जैसे आए पानी, या फिर वहाँ पर रेड कई बार आ जाता है, तो ये येलो ग्रीनिश या फिर उसका कलर अल्टर हो जाए, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा वहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट पानी गिरता रहता है जो वहाँ पर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, हेल्थी मेकेनिज़म के लिए है, तो वहाँ पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि यदि मेरा पीरियड बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? तो देखो, यदि आपका पीरियड 25 से लेकर 35 के बीच में आता है तो उसको हम नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। वहाँ पर आपका ओव्यूलेशन अच्छे से हो सकता है, अंडा रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी। लेकिन यदि आपका पीरियड बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर, कभी 15 दिन में आ गया तो कभी 50 या 60 दिन में भी नहीं आता है, तो यदि बहुत ही ज़्यादा लेंथी टाइम पीरियड है, बहुत ही ज़्यादा इरेगुलरिटी है, तो वहाँ पर अंडा ही नहीं बनेगा। अंडा नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस तो होंगे ही नहीं। तो वहाँ पर पहले पीरियड रेगुलर कराए और जैसे पीरियड रेगुलर होगा अंडा भी बनेगा, प्रेगनेंसी तुरंत रुक जाएगी। तीसरा क्वेश्चन ये होता है बहुत ही कॉमन कि पीरियड के दौरान रिलेशन रख सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर पहले तो कंफर्टेबल फील नहीं करती लेडीज़। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि देखो, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुला रहता है, तो उस दौरान यदि आप रिलेशन रखेंगे तो थोड़ा सा मेंसेस भी ऊपर जाने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी लग जाता है और इन्फेक्शन के चलते आपकी नलियाँ बंद हो सकती है, जो आगे प्रेगनेंसी कंसीव कराने में दिक्कत कर सकती है। और दूसरा, पीरियड के दौरान रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी रुक सकती या नहीं, तो वहाँ पर यदि आपकी साइकिल बहुत ही शॉर्ट होगी, यानी कि 21 या 22 या 23 दिन की आपकी पीरियड की लेंथ है, साइकिल है, तो वहाँ पर यदि आप रिलेशन पीरियड के दौरान रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस है। और यदि आपकी साइकिल 30 डेज 35 डेज की है, तो वहाँ पर यदि आप पीरियड के दौरान रिलेशन रखेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। तो ये डिसाइड होता है आपका अंडा कब रिलीज होता है। उसके यदि 4-5 दिन पहले से रिलेशन रखा होगा, यदि वो पीरियड के दिन में भी होगा तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लेडीज़ का एक कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि रिलेशन का मूड ही नहीं होता है, मन ही नहीं करता है, तो क्या करें? तो देखो, ये आपके हार्मोन इम्बेलेंस का सबसे पहला साइन है। यदि आपके हार्मोन गड़बड़ होंगे, यानी कि AMH बहुत ही कम होगा, या फिर AMH बहुत ही ज़्यादा होगा, या फिर आपके हार्मोन सारे हार्मोन इम्बेलेंस है, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा लाइट मत लीजिए, ये आपके अंदर की जो हार्मोन इम्बेलेंस है उसको दिखाता है। तो यदि आपको ये सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने हार्मोन को चेक करवाएं, उसकी ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद जाके ये ठीक हो जाने वाली तकलीफ है।
और एक यदि रिलेशन के बाद वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मुझे वहाँ पर जलन होती है और रिलेशन रखते समय भी दर्द रहता है तो क्या करो? तो ऐसे में एक ही चीज़ हो सकती है, यदि आपको इन्फेक्शन होगा तभी जाके वहाँ पर रिलेशन के पहले या फिर रिलेशन के बाद दर्द हो सकता है। तो उसमें आपको इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करनी होती है, 20 डेज की ट्रीटमेंट होगी तो आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी। और वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों की ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जिसका मेन कोज ही होता है, मेन रीज़न ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके चलते रिलेशन नहीं रखता, उसके चलते प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो वहाँ पर 20 डेज की ट्रीटमेंट में ही उसका सब कुछ, ये पेन वाला पार्ट, ड्राइनेस वाला पार्ट और आफ्टर जो बर्निंग वाला पार्ट, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद प्रेगनेंसी भी रुक जाती है। तो वहाँ पर यदि, और दूसरा एक रीज़न ये होता है कि यदि आप रिलेशन के पहले यूरिन पास नहीं करेंगे तो भी आपको दर्द हो सकता है। तो मेक अ रूल, जब भी रिलेशन रखता है तुरंत पहले आप यूरिन पास करेंगे, उसके बाद रिलेशन रखो, कोई दर्द वगैरह नहीं होगा। एक और क्वेश्चन ये रहता है कि रिलेशन के बाद जब मैं खड़ी होती हूँ या फिर आधे घंटे एक घंटे बाद तो सब बाहर आ जाता है, तो वहाँ पूरे बिल्कुल ही नॉर्मल है डेली। यदि इतना अंदर रहेगा आपके बॉडी में तो आपके बॉडी में क्या होगा, आपके पेट की हालत क्या होगी? तो ये बिल्कुल ही नेचुरल है, सब कुछ बाहर आ जाए, कोई भी चिंता नहीं है, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 15 मिनट इनफ है। उससे ज़्यादा यदि आप सोएंगे तो आपको वहाँ पर इचिंग की तकलीफ, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, बदबू आएगी, ये सारी कॉमन तकलीफें रहती है। और वो इन्फेक्शन के चलते वो पीएच अल्टर हो जाती, उसके चलते भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती। तो मेक ए रूल, रिलेशन के बाद आधा घंटा मैक्सिमम सोइए, उसके बाद आप यूरिन भी पास कर सकती, अच्छे से पार्ट वॉश भी कर सकती है, उसके बाद सोएंगे तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी और कोई पर्सनल तकलीफ भी नहीं होगी। दूसरी कॉमन तकलीफ ये रहती है कि वहाँ पर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, पेट के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, भारीपन बना रहता है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि रिलेशन के बाद पार्टनर इन्फेक्शन एक दूसरे को लगता रहता है, उसके चलते बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पर सेम हस्बैंड वाइफ दोनों की ट्रीटमेंट साथ में कराइए, यदि साथ में ट्रीटमेंट होगी तो आपको दोबारा ये तकलीफ कम होगी। और यदि अभी आपको यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है तो क्या करेंगे, डेली एक नारियल पानी पी लो। नारियल पानी होता है उसको हम नेचुरल डायूरेसिस बोल सकते हैं, जिसकी मदद से आपका यूरिन क्लियर होगा और आपको यूरिन में जो बार बार जलन होती है वो भी ठीक हो जाएगी। दूसरा एक तरीका यह भी है, घर में आप छाछ जो होती है, बटर मिल्क, वो आधा ग्लास लीजिए, उसके अंदर आधा ग्लास आप प्लेन सोडा डाल दीजिए। तो छाछ और सोडा मिक्स करके अच्छे से पी जाए सुबह और शाम को, ठीक हो जाएगी आपकी जलन की तकलीफ। तो नारियल पानी प्लस ये छाछ सोडा और एक होम्योपैथी मेडिसिन है, जो आपको यदि बहुत ज़्यादा बर्निंग की सेंसेशन रह रहा है, वाइट पानी भी गिर रहा है, वहाँ पर दर्द भी है, तो आप वो ले सकते हैं जिससे आपकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो मेडोरिनम करके है, मेडोरिनम 1 mg/1 dose वीकली, यानी कि हर संडे हस्बैंड वाइफ दोनों को सुबह में 6 गोली ले लेनी है, फिर पूरा वीक कुछ भी नहीं लेना है। और यदि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है, वहाँ पर आपको कमर में दर्द रहता है, तो उसके लिए बेलाडोना बहुत अच्छी है। यदि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइट पानी गिरता है तो क्रियोसोट, और यदि उसी तरह से बहुत ज़्यादा आपको यूरिन में बर्निंग हो रही है तो उसके लिए आपको कैंथारिस ले लेनी है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छे से काम करती है, बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई दिक्कत हो आपको, और कोई क्वेश्चन हो जो मन में रह रहा हो, जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कभी भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा आप लोगों के लिए ही रखी है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपना कन्फ्यूजन, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, तो अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और यदि प्रेगनेंसी ना रुक रही हो और कोई दिक्कत हो, यानी कि PCOD, ओवेरियन सिस्ट, नली में कोई दिक्कत, हस्बैंड के रिपोर्ट में कोई दिक्कत, तो आप कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से बहुत ही जल्दी से सारी चीज़ें क्योर भी हो जाती है और जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करा के मेडिसिन अपने लिए सिलेक्ट करा सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है। अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो पीरियड चल रहा है, जहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्री है, घर पर बंद है, तो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव करती हूँ, वहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर्स करती हूँ। तो अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आप वहाँ पर जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, हम वहाँ पर बातें करते रहेंगे। तो चलो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।